अरुण तुमने पिज्जा खाया है क्या? मैंने कहाँ खाया, मैं तो तुमसे बात कर रहा था, हम फोन ही तो देख रहे थे। हाँ लेकिन ये पिज्जा तो अभी आके रखा गया है, तो मैंने भी नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया। मेरा इसमें से एक स्लाइस कम है, पर पिज्जा तो हम लोगों ने खाया नहीं, तो स्लाइस कहाँ गया? और रेस्टोरेंट में भी हम दोनों के अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार मैनेजर को बुला लूं मैं। मैनेजर, मैनेजर। पर मेगा वेटर तो पूरा पिज्जा रख के गया था। हाँ, आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी मैम बताइए। एक्चुअली ना हम लोगों ने ना मीडियम पिज्जा ऑर्डर किया था, और अभी तक हम लोगों ने एक भी स्लाइस नहीं खाया क्योंकि पिज्जा ऑलरेडी गर्म था। हम लोग बातें कर रहे थे, जैसे ही हम खाने वाले थे तो देखा है कि एक स्लाइस गायब हो गया इसमें से। मैम स्लाइस गायब हो गया ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो आपके अलावा कोई और है भी नहीं। सर वी डोंट नो क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, बट सर ट्रस्ट कीजिए एक स्लाइस गायब हुआ है। जब पिज्जा आया था जब पूरे स्लाइस थे? जी जब पूरे स्लाइस थे। पर सर हम ना अभी फोन देख रहे थे, उसके बाद हमने बोला कि पिज्जा खा लें, तो हमने देखा कि एक स्लाइस गायब है उसमें से, तो सर हमने आपको बुला लिया। सर प्लीज पता कीजिए ना ये कैसे हुआ है। अरे सर ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों ने बात करते करते पिज्जा खा लिया हो, क्योंकि आपके अलावा यहाँ पे कोई और है नहीं है। सर देखिए हम लोग आपसे तमीज से बात कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, और आपको हमें ऐसे घर से लग रहे हैं कि जो खाने के बाद में बोलेंगे कि नहीं हमने नहीं खाया है। प्लीज आप सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, हमने नहीं खाया है। मैम मैं आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस आपसे पूछ रहा था, अभी मैं सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। हाँ सर आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, उसमें सब पता चल जाएगा कि पिज्जा किसने खाया है। सर आपको पता चला स्लाइस किसने खाया है? जी हाँ मैडम मुझे पता चल गया कि स्लाइस किसने खाया है, जिसने भी इस स्लाइस को खाया है ना वो हम लोगों के बीच में ही है। सर पर सर हम तो तीन ही लोग हैं और यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं, और हमने तो खाया ही नहीं। अरे नहीं नहीं सर आप दोनों ने नहीं खाया स्लाइस, और हम यहाँ पे तीन लोग नहीं है, यहाँ पे पूरे चार जने हैं, बस आप लोगों को ना वो चौथा बंदा दिख नहीं रहा है, अभी मैं उसको निकाल के दिखाता हूँ। 12 प्रेम ये हमारे टेबल के नीचे छुपा हुआ था, इसका मतलब जिस टाइम हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे उस टाइम इसने पिज्जा का स्लाइस निकाल के खा लिया। I'm right. क्यों लखन तुम तो पिछले बहुत सालों से मेरे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, ये सब करने के लिए आते हो यहाँ पे? सर सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, मुझे कुछ ही सूझा तो मैंने ये स्लाइस उठा के खा लिया। अच्छा भूख लगी थी तो किचन में जाके कुछ खा लेते ना, मील ले लेते अपनी, ये सब करने का क्या तरीका था? नहीं सर वो मैं खाने के लिए गया था लेकिन रोहित सर ने मुझे चिल्लाकर वहां से निकाल दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है सर ये झूठ बोल रहा है, ये ना आपके रेस्टोरेंट का नाम खराब करना चाहता था, जरूरी है किसी ना किसी से तो मिला हुआ है, क्योंकि सर इससे पहले कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है, हम पहली बार आपके रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे हैं। देख सुन लखन क्या बात है, मुझे सच सच बता दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं ऐसे। सर सर मुझे नौकरी से तो नहीं निकालोगे ना अगर मैं बता दूं तो आपको? नहीं निकाल रहा मैं, बता। सर बाजू वाला रेस्टोरेंट है ना उनके मालिक ने मुझे 6,000 रुपए दिए हैं ये काम करने के लिए, ताकि आपके रेस्टोरेंट का नाम मार्केट में जाए, और ये सारी न्यूज मार्केट में जाने के बाद आपके रेस्टोरेंट की बेइज्जती हो जाए और आपका रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर आ जाए, बस इसलिए किया था। सर सर मुझे माफ कर दीजिए। क्यों तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तुम मेरे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हो और उसने कुछ पैसों को तुम्हें लालच दिया, तुम हाल बिक गए। लेकिन सर उन्होंने सिर्फ छोटे से काम के 6,000 रुपए दिए थे और वो बोल रहे थे बड़ा काम। आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं, जो काम आपने छोटा है ना वो किसी की मेहनत खून पसीने की कमाई है, उन्होंने इतनी मेहनत से इस रेस्टोरेंट को खड़ा किया, इसका नाम बनाया, और तुम चुटकियों में आकर उस रेस्टोरेंट का नाम खराब करने लग गए, और क्या बोलो छोटी सी बात। और एक बात बताओ अगर आज उसने मेरी रेस्टोरेंट की बेइज्जती के लिए तुमसे ये सब करने के लिए बोल दिया, कल को वो बेहोशी की दवाई मिलाने के लिए कहेगा तुम तो वो ही मिला दोगे। सर आपको ना इसके और उस रेस्टोरेंट वाले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वरना ये लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। जी सर कार्रवाई तो होगी, अब बिल्कुल होगी, यहाँ से पिज्जा उठाओ किचन में पहुंचाओ और वहां पे दूसरे पिज्जे की बोल के आओ, और तुम्हें और रेस्टोरेंट वाले को तो मैं देखता हूँ। सर 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 प्लीज निकलो यहाँ से। आप